गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी होता क्या है, इसके हम बेसिक अजम्पशंस पढ़ेंगे, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में देखते हैं हम। सबसे पहले CFST होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। इट वॉज गिवन बाय एच बेथे एंड वी बेल्क, ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिसने ये थ्योरी दी। ये थ्योरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमें बताती है कि जो मैटर और लिगेंड में इंटरेक्शंस हैं वो कोवलेंट नेचर की होती हैं, पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में जो मैटर और लिगेंड में जो भी इंटरेक्शंस होती हैं वो आयनिक नेचर की होती हैं, ठीक है। यही इसमें बताया कि जो भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में बॉन्डिंग होती है वो प्योरली आयनिक नेचर की होती है, ठीक है। अब ये हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हमें क्या क्या बताती है, कैसे पता चलता है हमें, कोई भी जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हमें उसकी हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए, उसकी हमें वो लो स्पिन पे है, हाई स्पिन में है, वो उसका करैक्टर क्या है, डायमैग्नेटिक करैक्टर है या वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर में है, ठीक है। वो उसकी इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस है या फिर वो आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती हैं? ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी से। एक एक करके हम देखते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड प्योरली आयनिक इन नेचर, इट टेल्स अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें पता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता क्या है, जब भी बॉन्डिंग होती है मेटल और लिगेंड में वो क्या होती है, प्योरली आयनिक इन नेचर में होती है, ठीक है। उस बॉन्डिंग के दौरान हमें पता चलता है कि जो हम अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं जो भी मॉलिक्यूल का, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड वेरी एक्यूरेटली, हमें इससे उसकी ज्योमेट्री पता चल जाती है कि उसकी शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है। ये प्रूव भी हो चुका है एक्सरे स्टडीज में कि उसकी ज्योमेट्री, कोई भी जो हम कंपाउंड फाइंड कर रहे हैं वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से हमें पता चल जाता है कि वो ऑक्टाहाइड्रल है, टेट्राहाइड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ऑक्टाहाइड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, टेट्राहाइड्रल में कैसे होती है, स्क्वायर प्लेनर में कैसे होती है, ठीक है। एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट, लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जब हम फाइंड करेंगे CFST, ये एक एनर्जी भी होती है, इसकी एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे, ठीक है। उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। उससे ही हमें पता चलेगा जब हम स्प्लिटिंग करेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं या डायमैग्नेटिक नेचर के हैं, आउटर और इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी से हमें पता चलती है, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी होगा, ऑब्वियसली बात है, जब किसी भी थ्योरी जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं उसकी इम्पोर्टेंस के साथ साथ उसके ड्रॉबैक्स भी होती हैं, ठीक है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं एक दो, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन भी देखते हैं, ये ड्रॉबैक भी है और क्वेश्चन भी बन सकता है, वाई CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, NH3 इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। ये इसकी ड्रॉबैक कैसी है कि हमें इस थ्योरी से, CFST से हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन से वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। और ये क्यों नहीं पता चलता, इट कैन नॉट प्रडिक्ट फुली मैग्नेटिक करेक्टर, लो स्पिन और हाई स्पिन, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज और कलर, ये चीजें हमें इस थ्योरी से नहीं पता चलती, ठीक है। अब हम इस थ्योरी की पढ़ते हैं कुछ अजम्पशंस। देखो इसकी बेसिक अजम्पशंस क्या है, फर्स्ट पॉइंट है मेटल आयन इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ लिगेंड्स विद द लोन पेयर। अब हमें पता है कि CFST थ्योरी में क्या है, जो मेटल है उसके साथ लिगेंड्स अटैच होते हैं, ठीक है। कितने लिगेंड्स अटैच होते हैं, बहुत सारे, जिसके लिगेंड्स के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये इसकी अजम्पशन है। सेकंड, ऑल मेटल एंड लिगेंड्स आर पॉइंट चार्जेस, जो भी हमारे मेटल और लिगेंड्स होंगे वो क्या होंगे, पॉइंट चार्जेस होंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमने पहले पढ़ी थी कि जो हमारी CFST है थ्योरी, इसमें हमारी कोवलेंट आयनिक नेचर की होते हैं, ये कोवलेंट नेचर के नहीं होते, और इसमें कैसी इंट्रैक्शंस होती हैं, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, ठीक है।
इफ लिगेंड इज नेगेटिवली चार्ज, अब लिगेंड जो है हमारा वो नेगेटिव चार्ज का भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज का भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमारा लिगेंड नेगेटिव चार्ज का है, एग्जाम्पल Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये क्या है, सारे हेलोजन है, ठीक है। देन इंटरेक्शन आर आयन आयन इंटरेक्शन, तो उनमें कौन कौन सी इंटरेक्शन होगी, आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है। और अगर हमारा लिगेंड न्यूट्रल नेचर का है, जैसे कि वॉटर, En, Py, Py क्या है, पिरिडीन, NH3 एटसेट्रा, तो कौन सी इंटरेक्शन होगी, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, बिकॉज लिगेंड एक्ट एज अ डाइपोल। जो भी हमारा ये लिगेंड होगा, वॉटर या NH3 जो भी लिगेंड होगा, वो हमारा एज अ डाइपोल एक्ट करेगा। अब व्हाट इज डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, नीचे देखो ये क्या है हमारा, वाटर OHH डाइपोल होता है, जिसमें जो बॉन्ड बनता है एक तरफ नेगेटिव चार्ज आए और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आए, मतलब हम चार्ज सेपरेशन कर सकें एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव की, वो क्या होता है हमारा डाइपोल होता है, ठीक है। अब अगर तो हमारा लिगेंड न्यूट्रल है तो वो क्या होएगा, एक्ट एज ए डाइपोल, और कौन सी इंटरेक्शन होगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अगर हमारा लिगेंड नेगेटिव चार्ज का है तो वो कौन सी इंटरेक्शन होगी, आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें भी देखो डाइपोल बन रहा है, एन पे क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है और एच पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये क्या हो गया हमारा डाइपोल, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारी अजम्पशन है, द फील्ड जनरेटेड बाय अ लिगेंड इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड। अब कुछ ना कुछ फील्ड भी जनरेट होगा जब लिगेंड अपनी इंटरेक्शन करेंगे मेटल के साथ, तो उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड। इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। स्प्लिटिंग क्यों है, क्योंकि हम स्प्लिटिंग करेंगे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ सिक्स्थ हमारा अजम्पशन है, ट्रांजिशन मेटल्स आर हैविंग 5d ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग सेम एनर्जी। अब ये ध्यान से समझने वाली चीज है, फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स आर दोज मेटल्स हु हैव कैरी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे कि कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, 5d, 3d, ठीक है। इसमें हम अब स्प्लिटिंग दिखाएंगे, देखो इसमें क्या है, जो ट्रांजिशन मेटल होगी ऑब्वियसली वो मेटल्स होती है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें हम लेके चलेंगे 5d ऑर्बिटल्स, ठीक है। 5 क्या है, मतलब जब मैं आपको दिखाती हूँ 5d ऑर्बिटल्स का मतलब, अब ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये कितने बॉक्सेज है, 5 बॉक्सेज है, ठीक है। ये क्या है, डी ऑर्बिटल्स में हमेशा 5 होते हैं, ये क्या है, ठीक है। और पी में क्या होते हैं, 3 होते हैं, ऐसे डी में 5 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 5d का मतलब यही है कि ये 5 हमारे ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। अब इन बॉक्सेस को क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल्स, ठीक है। इनको बॉक्सेस नहीं बोलना, ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये 5 ऑर्बिटल्स क्या है, सेम एनर्जी पे हैं, ठीक है। विच आर हैविंग सेम एनर्जी, मतलब ये इनका एनर्जी जो है सेम है, वो एक ही लाइन में बने हुए हैं, मतलब इनकी स्प्लिटिंग नहीं हुई अभी तक, ठीक है। हैंस कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं हम, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी सेम लेवल पे हो, ठीक है। बट व्हेन लिगेंड मेटल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स, अब मान लो इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन, अभी तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, अब मान लो इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन क्या होएगा, अब जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब जो लिगेंट है मेटल के साथ, जो लिगेंट अटैच है उसके पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, वही चीज लिखी हुई है, व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल्स रिपेल नेगेटिव चार्ज लिगेंट्स ड्यू टू सेम चार्ज, अब सेम चार्ज तो रिपेल ही करेगा, ठीक है। देयर फॉर द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज रेज्ड, इसलिए जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे करके ऊपर बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। जब हम ऑक्टाहेड्रल पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब इसकी एनर्जी रेज हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल कर रहे हैं। इफ ऑल लिगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस देन राइज इन एनर्जी सेम, अब वो इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो एनर्जी भी उसकी सेम राइज होगी, तो ये जो ऑर्बिटल्स हमारे हैं ये सारे के सारे ऊपर उठ के सेम लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। वो कौन सा लेवल होगा, वो भी डीजेनरेट लेवल ही होगा फॉर ऑल डी ऑर्बिटल्स, एंड दीज अगेन रिमेन डीजेनरेट, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि सेम एनर्जी रहेगी, बट वी नो दैट शेप एंड ओरिएंटेशंस ऑफ ऑल डी ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट, अब जो डी ऑर्बिटल्स की शेप्स हैं वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, देयरफॉर डिफरेंट इंटरेक्शंस विद द लिगेंड्स, अब जो भी लिगेंड मेटल के साथ अटैच होएगा उसकी जो इंटरेक्शन है वो डिफरेंट होएगी, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल्स हम बनाएंगे उनकी शेप्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। द ऑर्बिटल्स विच आर लाइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ लिगेंड फील मोर रिपल्शन, अब जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं
वो सेम डायरेक्शन, अगर लिगेंड की भी वही डायरेक्शन है और ऑर्बिटल की भी वही डायरेक्शन है, तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगी। जब रिपल्शन ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा राइज होगी, मोर राइज एनर्जी, ठीक है। वियर एज द ऑर्बिटल्स विच लाई अवे फ्रॉम द डायरेक्शन, अब जो लिगेंड्स के साथ ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन मैच नहीं करेगी उनमें क्या होगी, लेस रिपल्शन होगी, ठीक है। इसके बेस पे हमारी क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी, कहीं में ज्यादा रिपल्शन होगी कहीं में लेस रिपल्शन होगी। ज्यादा रिपल्शन कब होगी, जब लिगेंड के साथ हमारे ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन सेम होगी, तब हमारी मोर रिपल्शन होगी, ठीक है। अब इसमें लेस रिपल्शन हो रही है, इन दिस वे द सेट ऑफ डीजेनर ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टू, दो पार्ट्स में वो जो है हमारा ऑर्बिटल वो स्प्लिट हो जाएगा। देखते हैं हम कैसे। अब ये देखो, इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगा, ये क्या है हमारे 5d ऑर्बिटल्स। अब ये क्या है, डीजेनरेट लेवल, मतलब सेम एनर्जी है। अब एनर्जी राइज होगी, क्यों एनर्जी राइज हुई, क्योंकि जब लिगेंड अटैच हुआ, इलेक्ट्रॉन और लिगेंड की इंटरेक्शन हुई, तो एनर्जी राइज होगी, ठीक है। जब एनर्जी राइज हुई देन हमारा क्या हुआ, डी ऑर्बिटल्स की हमें पता है शेप्स अलग अलग होती है, ठीक है। अब जिसकी शेप ऑर्बिटल और लिगेंड की शेप क्या है सेम है, उसकी जो मोर एनर्जी रिपल्शन होगी तो उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, जिसमें लेस रिपल्शन है और मोर रिपल्शन है। तो ये डी ऑर्बिटल्स टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गए, तीन नीचे आ गए, दो ऊपर चले गए, ठीक है। अब इसमें रिपल्शन ज्यादा थी तो ये ऊपर चले गए, इसमें रिपल्शन कम थी तो ये नीचे आ गए, मतलब इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है एनर्जी, इसमें एनर्जी क्या है कम है, ठीक है। कम है तो ऊपर चले गए, एनर्जी ज्यादा थी तो वो नीचे आ गए, ठीक है। यही बात हमने यहाँ पे पढ़ी है कि वो स्प्लिट हो जाएगा टू सेट्स में, हैंस कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसको ही हम बोलते हैं जो हमारा क्रिस्टल था वो स्प्लिट हो गया, ठीक है। एंड द कंसेप्ट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस कंसेप्ट को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फ्रेंड्स होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसकी बेसिक अजम्पशंस हमने पढ़ ली, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते रहो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करो। नाउ हमारे दो बेसिक अजम्पशंस बची हैं, द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड ज्योमेट्री ऑफ द लिगेंड्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि स्प्लिटिंग हो गई, और वो स्प्लिटिंग कैसे हुई है ये भी हमें समझ आ गया, ठीक है। अब जो स्प्लिटिंग होती है वो किसके बेस पे होती है, वो नंबर ऑफ लिगेंड्स के बेस पे होती है, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स ज्यादा होंगे उतनी ही स्प्लिटिंग हमारी ज्यादा होगी, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि वो लिगेंड्स की ज्योमेट्री कैसी है, राइट। नाउ एट पॉइंट, द स्पेक्ट्रल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो हमने ये थ्योरी पढ़ी है इसके बेस पे ही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्सेस की और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी जाती हैं, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया था कि जो शेप्स होती है डी ऑर्बिटल्स की वो डिफरेंट होती हैं। नाउ हम एक बार समझ लेते हैं कि डी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो, ये हमारी ऑर्बिटल्स की शेप, डी ऑर्बिटल्स की। अब हमें पता है कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारी 5 शेप्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है, डंबल शेप है। सबसे पहले कौन कौन से नेम होते हैं, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब डी जेड स्क्वायर दो ऑर्बिटल से मिक्स होके बना है, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा अलग ऑर्बिटल है। तो ये क्या है, हमारे 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब इनकी शेप देखो, ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐसे हम प्लस का साइन बनाएंगे। अगर हमारा डी एक्स वाई है, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में ही ऑर्बिटल बनेगा, ध्यान से देखो, जेड के बीच में कोई ऑर्बिटल नहीं है, एक्स और वाई के बीच में ऑर्बिटल है। ऐसे करके हम ये ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरी तरफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब वाई जेड है, सिर्फ हम नेमिंग चेंज करेंगे, वाई जेड है, यहाँ पे क्या आ गया, वाई और जेड, इसके बीच में ऑर्बिटल्स ड्रॉ है, एक्स के बीच में कोई ऑर्बिटल नहीं है। सेम टू सेम जेड एक्स में यहाँ पे क्या आ गया, जेड एक्स के बीच में ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे अब क्या है, ये जो ऑर्बिटल्स हमने ड्रॉ करे थे ये लाइन के ऊपर नहीं करे थे, ये साइड में करे थे, अब ये लाइन के बीच में ड्रॉ करे गए हैं। ध्यान से देखो, ये बीच में ड्रॉ है, एक लाइन वाई एक्सिस की है और एक एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस खाली पड़ा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जेड स्क्वायर की बात है, ये हमारा क्या है, जेड स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, तो ये हम ऐसे करके डंबल शेप बनाएंगे और बीच में ऐसे दो करके राउंड बनाएंगे, ठीक है। ये शेप्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स इज इन बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस के बिटवीन बन रहे हैं, ठीक है। सो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या है, ऑन दी एक्सिस है, ठीक है।
इसलिए हम इसको बोलेंगे ईजी और ई ऑर्बिटल्स। ठीक है, ईजी और ई का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में डिफरेंट डिफरेंट लिखे जाते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली पढ़ा कि हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है, इसके अजम्पशंस पढ़ी और शेप्स पढ़ी डी ऑर्बिटल्स के। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है। उस वीडियो का आप वेट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय।